वेलकम टू अच्छे दिन। फेमस टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहु थी में मोहिनी का रोल कर लाइमलाइट में आने वाली तस्नीम शेख छोटे पर्दे की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनकी हर नेगेटिव रोल को लेकर एक्साइटमेंट बनी रहती है। इस वीडियो में हम आपको उनकी लाइफ और करियर से जुड़े 10 ऐसे फैक्ट बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करने वाली तस्नीम शेख एक ट्रेंड एक्ट्रेस है। बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का ड्रीम रखने वाले म्यूजिक और ट्रेवलिंग की शौकीन तस्नीम की फैमिली के फिल्म इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं थे, मगर म्यूजिक व पेंटिंग में रुचि होने की वजह से उन्होंने म्यूजिक के साथ साथ अपने आप को एक्टिंग में ट्रेंड किया, इसलिए टीनेज से ही एक्टिंग तस्नीम का ड्रीम बन गई। नंबर 2, बचपन से ही खूबसूरत 41 वर्षीय तस्नीम का जन्म 4 अगस्त 1980 को जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, जिनके फादर कश्मीरी मुस्लिम जबकि मदर गुजराती हिंदू बेस्ड फैमिली में तस्नीम बचपन से ही म्यूजिक डांस व ड्रामा जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती थी। नंबर 3, फैमिली बिजनेस के चलते कश्मीर टू मुंबई शिफ्ट होने की वजह से स्कूलिंग के बाद तस्नीम ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर म्यूजिक और एक्टिंग में इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने एक्टिंग ऑडिशंस देना शुरू कर दिए, इसलिए उन्हें सीरियल घराना के लिए सिलेक्ट किया गया। इस प्रकार तस्नीम ने सीरियल घराना से 20 साल की उम्र में टेलीविजन डेब्यू कर अपने ड्रीम के चलते ग्लैमर लाइफस्टाइल को स्टार्ट किया। नंबर 4, तस्नीम ने अपना टेलीविजन डेब्यू करने के बाद कसौटी जिंदगी की और क्योंकि सास भी कभी बहु थी जैसे सीरियल में अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर पॉपुलरिटी गेन कर लाइमलाइट में आई, मगर स्टार प्लस के सीरियल किस देश में है मेरा दिल में दलजीत मान का रोल करने के बाद से ही तस्नीम की पॉपुलरिटी सभी जानते हैं कहां से कहां पहुंच गई। तस्नीम को सीरियल दास्ताए मोहम्मद सलीम अनारकली में आप सबने रुकैया सुल्तान बेगम के कैरेक्टर में उन्हें एक्टिंग करते हुए देखा। इस सीरियल के बाद से ही तस्नीम का करियर राइज पर है। नंबर 5, तस्नीम को सीरियल अनुपमा से हग पॉपुलरिटी मिली, जहां वह राखी दवे के कैरेक्टर में नजर आई। अनुपमा एक बहुत ही शानदार सीरियल है और तस्नीम की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। सीरियल में उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लगने लगा तस्नीम हर रोल के लिए ऑल टाइम फिट एक्ट्रेस है और बहुत से फैंस आज भी उन्हें राखी दवे के कैरेक्टर से जानते हैं। तस्नीम अनुपमा में राखी दवे के कैरेक्टर में कैसी लगी वो हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। नंबर 6, टेलीविजन इंडस्ट्रीज के साथ साथ तस्नीम शेख अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं, जहां उन्होंने ट्रैप क्रिकेटर और डेथ हंट जैसी सक्सेस फिल्मों में काम किया। अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट यूएस बेस्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल्म मेकर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। नंबर 7, तस्नीम ने अर्ली डेज के दौरान आउटसाइडर समीर नेरुरकर को डेट किया जो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर है। 4 साल तक चली रिलेशनशिप प्यार में बदल गई। दोनों ने अप्रैल 2006 में शादी कर ली, जिनके पास अब एक खूबसूरत बेटी है। हम उनके सुखद जीवन की कामना करते हैं। नंबर 8, घूमने फिरने व ट्रेवलिंग की शौकीन तस्नीम का स्विट्जरलैंड फेवरेट डेस्टिनेशन है, जिसे वह अपना स्ट्रेस बस्टर भी मानती है। जब भी उनके पास समय होता है तस्नीम वहाँ छुट्टियां मनाना पसंद करती है। नंबर 9, तस्नीम सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव है। उनका इंस्टाग्राम पेज शानदार पिक्चर से पूरी तरह फुलफिल है। लोग उनके खूबसूरत लुक के चलते उन्हें फॉलो करते हैं। तस्नीम अक्सर पर्सनल लाइफ, म्यूजिक व फैशन रिलेटेड अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है जो उनके फैंस को अट्रैक्ट करता है। नंबर 10, फिटनेस फ्रीक तस्नीम अपनी बॉडी का विशेष ख्याल रखती है। अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए तस्नीम डेली जिम में पसीना बहाती है एवं स्विमिंग व रनिंग करती है, जिससे एनर्जेटिक रहने में उन्हें बेनिफिट मिलता है। वीडियो खत्म होने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि आपको तस्नीम का कौन सा सीरियल सबसे ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आप हमें न्यू वीडियोस के भी आइडिया दे सकते हैं। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते और आपके कमेंट्स हमारे लिए एक वैल्यू ऐड करता है। तो फ्रेंड, दैट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस एंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।